तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू में। AEW डायनामाइट और NXT के शोज दोनों हो चुके हैं खत्म और बहुत कुछ हुआ है दोनों शोज को अगर मैं मिला दूं। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनने वाली है पर मैं बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा चीजों को और अपनी इंट्रोडक्शन को, तो फटाफट से आप वीडियो पे लाइक कर दें गाइस, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा, उतने वाली वीडियो को जो है ज्यादा लोग देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का शो AEW डायनामाइट से गाइस, और काफी सारी चीजें हुई आज शो में तो बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। और टैज आ जाते हैं भारत की टीम के साथ, ऑब्वियसली ये आफ्टर मैच थी फुल गियर पेपरव्यू के बाद जो कि एक कमाल का शो था। और टैज आके सीधा बोलते हैं डार्बी को जो कि फिर से रैफ्टर्स में बैठे होते हैं ऊपर अरीना में बिल्कुल, और उनको कहते हैं कि तुम कोशिश भी मत करना नीचे आने की क्योंकि अब ब्रायन केज तुम्हें दिखाएगा मैट साइडल के अगेंस्ट कि कैसे लड़ा जाता है। तो ये मैच होता है मैट साइडल और ब्रायन केज का, एक काफी अच्छा मैच था मैं कहना चाहूंगा और बैक एंड फोर्थ था। ऑब्वियसली यहाँ पे हमको पता था कि ब्रायन केज को जीतना है जो कि हमें एंड में देखने को भी मिला, लेकिन काइंड ऑफ गाइज यहाँ पे जो पूरी सिचुएशन बनाई गई है वो इस तरीके से है कि अब ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है डार्बी के अगेंस्ट जल्द ही, लेकिन वो होगा कब अभी हमको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। और डार्बी फिलहाल के लिए बस बैठ के ऊपर देख रहे हैं, उनका बाद में शो में भी हमें एक पार्ट देखने को मिला जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद गाइस कोडी रोड्स आ रहे थे रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा डार्बी को उनकी विक्ट्री के लिए और मैं अभी अपना जो है वो रीमैच नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे एक और बंदे से दिक्कत है जिसके अगेंस्ट पहले मेरी राइवलरी चल रही थी और वो है MJF। और जैसे यहाँ पे कोडी रोड्स MJF को मेंशन करते हैं पीछे से एक विमेन चलती हुई आती है, एक लड़की आती है चलती हुई और वो कोडी को देखते हुए मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कौन है, और ऐसा लगता है कि कोडी को भी नहीं पता, फैंस को भी नहीं पता है कौन है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं जेड कारगिल के नाम से और वो यहाँ पे कहती हैं कि कोडी रोड्स जो तुम बोलते हो कभी वैसा होता है नहीं, तुम अपने आप को जायंट किलर कहते हो लेकिन तुमने आज तक कुछ भी ऐसा करा नहीं है, तुम कोई जायंट नहीं हो, तुम्हारे बारे में कुछ भी जायंट नहीं है और मैं एक ऐसे जायंट को अब लेकर आने वाली हूँ जो कि तुम्हारी जो है दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और वो यहाँ पे कहती हैं कि ये जायंट है शैक, और इस पूरे सेगमेंट के अंदर ये जो लेडी है यहाँ पे ये कोडी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है, मतलब सार्केस्टिक तरीके से भी और डायरेक्ट इंसल्ट्स भी करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और बेसिकली यहाँ पे वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये सब क्यों हो रहा है मैं बहुत वियर्डली देख रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे शैक का जैसी नाम वो लेती हैं, कॉमेंटेटर्स कह रहे हैं क्या है शकील ओनील की बात कर रही हैं जो कि ऑब्वियसली एक जायंट NBA जो है वो प्लेयर रह चुके हैं। और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि क्या ये शकील ओनील है या फिर नहीं, लेकिन जैसे ही ये लेडी अपनी एग्जिट कर रही होती है ब्रांडी आ जाती है बाहर और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही होती हैं और वो उल्टा सीधा बोलती हैं इस लेडी को कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जो है आदमी के बारे में तुमने ऐसे बात करी, यू टॉक लाइक दैट टू माई मैन, एवरीथिंग दैट शी सेड हियर वॉज अ वेरी इंटेंस प्रोमो बाय ब्रांडी रोड्स। और बेसिकली यहाँ पे अभी भी कुछ क्लैरिटी है नहीं, लेकिन सेगमेंट के एंड में ब्रायन केज आते हैं पीछे से वापस और एक बार फिर वो कोडी रोड्स को यहाँ पे अटैक करते हैं और फाइनली यहाँ पे डार्बी को मौका मिलता है, वो ऊपर से नीचे आते हैं और यहाँ पे उन्होंने जो जैकेट पहनी होती है उसके ऊपर थंब टैक्स लगे होते हैं, तो वो अपनी जैकेट लेके कूद रहे हैं यहाँ पे रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज के ऊपर, उनको ऐसे भगाते हैं और वे लास्ट में विल हॉब्स भी बाहर आ जाते हैं इन दोनों के साथ। तो काइंड ऑफ इस सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने कहा मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, क्या है शकील ओनील है जो कि आने वाले हैं शैक और कौन हो सकता है, क्या ये कोई और जायंट है जो कि आने वाला है AEW में, आई डोंट नो। लेकिन कोडी रोड्स की दिक्कतें ऐसा लग रहा है और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, वो जा रहे थे MJF के पास लेकिन अब उनका कोई और ही रास्ता भटक गया है और अब उनको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है जॉन मॉक्सली का प्रोमो और वो बात करते हैं कि किस तरीके से केनी ओमेगा के साथ अब उनका मैच ऑफिशियल हो चुका है और वो कब होगा हमें नहीं पता है अभी भी, लेकिन डायनामाइट पे ही होगा। अब मैं बहुत समय से कह रहा था कि ये मैच पे होना चाहिए लेकिन आई थिंक कि 4 महीने अब शायद अगले पे और इतना लंबा AEW वेट नहीं करने वाली, तो जो भी डायनामाइट का शो हमें देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बनाने वाले हैं वो, और मॉक्सली वर्सेस ओमेगा डेफिनेटली एक कमाल का मैच होगा। और इस प्रोमो में यहाँ पे मॉक्सली ने बेसिकली इतना कहा गाइस कि पहले भी मैं लड़ा हुआ हूँ ओमेगा से और मैंने उनको हराया था और एक बार फिर से मुझे अगर ओमेगा को हराना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे AEW में कोई ऐसा बंदा है जो ओमेगा को हरा सकता है तो मैं मॉक्सली हूँ और मैं रेसलिंग की दुनिया का जो इस समय किंग बन चुका हूँ उस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो एक इंटरेस्टिंग प्रोमो था यहाँ पे जॉन मॉक्सली की तरफ से। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है, एक अलग सी स्टिपुलेशन थी इसके ऊपर, ये था द बंक हाउस मैच। अब बंक हाउस का मतलब
होता है पुराने समय में या फिर अभी भी अमेरिका के अंदर काउबॉयज होते हैं बहुत सारे, और वो अपने एक रैंच में रहते हैं, और ये रैंच जहाँ पे होता है वहाँ पे वर्कर्स के लिए सोने की जगह होती है, और काइंड ऑफ फीलिंग दी गई थी रिंग साइड पे, वो सारा जो है वो काउबॉयज वाले टाइप का जो स्टफ है वो डाला हुआ था उन्होंने रिंग साइड पे। और ये मैच जो देखने को मिला गाइस ये था बुचर एंड द ब्लेड अगेंस्ट द नेचुरल नाइटमेयर्स, यानी कि क्यूटी मार्शल और डस्टिन रोड्स के बीच में, एंड दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये बेसिकली एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और जीतने का तरीका था सिर्फ पिनफॉल और सबमिशन, और यहाँ पे कोई काउंट नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, और उनका बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे कमाल तरीके से फायदा उठाया। मतलब हमें पूरा ब्लड बाथ इस मैच में देखने को मिला, जिस तरीके से क्यूटी मार्शल और ब्लेड तो स्पेशली इस तरीके से उनके सर से खून निकल रहा था, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि भाई क्या विजुअल है। और रेसलिंग की भी मैं बात करूं तो ओवरऑल अमेजिंग मैच था। मतलब प्रॉप्स का इन्होंने पूरे तरीके से यूज़ करा, जैसा कि मैंने कहा साइड में जो इन्होंने प्रॉप्स रखे हुए थे उनके थ्रू इन्होंने एक दूसरे को फेंका। इनफैक्ट एली जो है वो भी थ्रू द टेबल गई थी, लैडर्स के ऊपर से कमाल की एल्बो ड्रॉप लगाई थी क्यूटी मार्शल ने, और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ों का भी यूज़ हमें देखने को मिला। लेकिन एट द एंड नेचुरल नाइटमेयर जो है यहाँ पे इस मैच को जीत गए हैं। तो एक अच्छा एंटरटेनिंग पार्ट था ये शो का, आगे कैसे लीड करेगा स्टोरी लाइन में वो देखना इंटरेस्टिंग तो जरूर रहेगा, लेकिन ये मैच आज मुझे काफी मजा आया देख के। इसके बाद गाइज आ जाते हैं रिंग के अंदर क्रिस जेरिको, और अब समय आ चुका है एमजेएफ को इंडक्ट करने का इन द इनर सर्कल, और वो यहाँ पे बाहर बुलाते हैं सबसे पहले बाकी मेंबर्स ऑफ इनर सर्कल को, और सैमी गेवारा वहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे जेरिको कहते हैं कि भाई मैंने फोन करा था सैमी को, वो हॉस्पिटल से निकल गए थे अपनी इलीट डिलीशन के बाद, लेकिन अब वो कहाँ है वो किसी को पता नहीं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं एमजेएफ को। तो जब एमजेएफ आते हैं रिंग के अंदर वो पहले सबको थैंक यू कहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और ओटीज़ और सैंटाना ज़्यादा खुश नहीं लग रहे इस आइडिया से कि अब एमजेएफ को इनर सर्कल में आना पड़ रहा है। लेकिन जेरिको ओटीज़ को कहते हैं कि देखो भाई मैंने ये शर्त रखी थी और मैं अपनी शर्त को जो है वो हार गया हूँ, मैं मैच हार गया एमजेएफ से, तो अब हमें ऑब्वियसली इनको इनर सर्कल में लाना पड़ेगा। और मैं ये बात तुम्हें बता दूं कि एमजेएफ के आने से इनर सर्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे वो बोलते हैं, एमजेएफ भी एक दो अपनी लाइंस बोल के थैंक्स करते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे जो थी, एमजेएफ कहते हैं कि भाई मैं तुम सबको लास वेगस लेके जा रहा हूँ, और जो पूरा खर्चा है वो मेरे ऊपर है, और नेक्स्ट वीक हम लास वेगस जाएंगे। तो जो अगला हफ्ता जो होने वाला है, जो डायनामाइट का शो होगा नेक्स्ट वीक, वहाँ पे इनर सर्कल हमें लास वेगस में देखने को मिलेगी, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे होंगे, तो इंटरेस्टिंग है देखना। और ऑब्वियसली एमजेएफ का खर्चा नहीं है, टोनी खान ने अपनी जेब से पैसे खर्चे हैं, और इन लोगों को लास वेगस जाने का मौका मिल रहा है, थोड़ी ऐश करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी। और शो में बाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये सारे बैक स्टेज खड़े होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं एलेक्स मार्वेज को, और सैमी के बारे यहाँ पे आते हैं, और वो कहते हैं भाई एमजेएफ ने मुझे ईमेल करके बोला था कि तुम बीच पे मिलना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम सब तो यहाँ थे, मुझे बीच पे तुमने क्यों भेजा। एमजेएफ कहते हैं भाई मैंने तुम्हें एक और ईमेल भेजी थी, तुम्हें वो मिली नहीं होगी, और इस वजह से तुम बीच पे पहुँच गए। तो जबकि सैमी बहुत ज़्यादा नाराज थे, बाद में जब एमजेएफ ने उनको लास वेगस की टिकट ली वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो एक सेगमेंट है इनर सर्कल की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसके बाद गाइस एक बैक स्टेज इंटरव्यू हमें देखने को मिलती है यंग बक्स की, जहाँ पे एलेक्स मार्वेज उनसे पूछते हैं कि अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि तुम टाइटल तो जीत गए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में एफटीआर वर्सेस यंग बक्स का रीमैच देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए वो एक ऐसी टीम को चैलेंज करना चाहते हैं जो उसी तरीके से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है इंडस्ट्री में, जैसे कि कुछ समय पहले यंग बक्स कर रहे थे, और उनका नाम है टॉप फ्लाइट। तो नेक्स्ट वीक यंग बक्स अगेंस्ट टॉप फ्लाइट हमें देखने को मिलेगा मैच डायनामाइट के ऊपर, और ये चीज उन्होंने सेगमेंट में रिवील कर दी। इसके बाद गाइस शॉन स्पीयर का मैच होता है स्कॉर्पियो स्काई के साथ, एक अच्छा मैच था लेकिन कुछ खास इसके पीछे बिल्ड नहीं थी। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि टली ब्लैंचार्ड कुछ पकड़ाते हैं यहाँ पे शॉन स्पीयर्स को, उसको अपने ग्लव्स में फंसाते हैं और वो उससे पंच करते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो स्काई को टू गेट द विक्ट्री। तो कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था, रेफरी चेक भी करता है मैच के बाद कि कहाँ पे ग्लव्स में छुपाया, लेकिन वो चीज़ जो है शॉन स्पीयर्स अपने अंडरवेयर में छुपा लेते हैं, रेफरी को कभी पता नहीं लगती इस चीज़ की, और यहाँ पे शॉन स्पीयर्स ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद गाइस केनी ओमेगा का भी हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है एलेक्स मार्वेस के साथ ही, और यहाँ पे केनी ओमेगा कहते हैं कि लोगों ने उनको बहुत डाउट करा जब से वो AEW में आए हैं कि वो बंदा कहाँ गया जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में था। वो कहते हैं मुझे द क्लीनर बुलाया जाता है, और मैं तुम्हें बात बता दूं कि क्लीनर कभी यहाँ से गायब नहीं हुआ था, और अब वो फुल फॉर्म में वापस आने वाला है। मैंने ये टूर्नामेंट जीत के बता दिया है कि मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, और अब जॉन मॉक्सली के साथ जो मेरा मैच होने वाला है इट विल बी द बिगेस्ट डायनामाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द शो। और यहाँ पे वो कहते हैं कि वो AEW चैंपियनशिप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और केनी ओमेगा अपनी फुल फॉर्म में वापस आने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। द वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर जिसको एक समय पे अवार्ड मिला था वो पूरी कोशिश कर रहा है आने की वापस, और मॉक्सली अगेंस्ट ओमेगा इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मैच। इसके बाद गाइस टे कॉन्टी का मैच हमें देखने को मिलता है रेड वेलवेट के साथ, अगेन यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नहीं था मेरा, टे कॉन्टी इस मैच को जीत गई। और उसके बाद फाइनली गाइस इस शो का मेन इवेंट पेंटा एल ज़ेरो मेडो अगेंस्ट रे फेनिक्स, और ओ माय गॉड
मतलब 5-star मैच मेरे को तो ये लगा भाई, कुछ कमी नहीं छोड़ी इन दोनों ने, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच। मतलब अगर मैं सोचूं इसके बारे में तो क्या कमाल की इन्होंने रेसलिंग तो करी, पर स्टोरी जो दिखा दी इन्होंने 15 मिनट के टाइम में, अनबिलीवेबल। इन दोनों ने एक दूसरे का मास्क ऑलमोस्ट फाड़ दिया, दोनों के आधे आधे चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि दोनों भाई हैं तब भी एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं। और दो पर्टिकुलर मूव्स थे ऐसे जिस पे मुझे लगा कि भाई ये बंदे एक दूसरे को मार देंगे। एक था आई थिंक इट वॉज अ पाइल ड्राइवर या फिर एक पैकेज पाइल ड्राइवर था एप्रन के ऊपर, जो कि पेंटा ने लगाया था रे के ऊपर, और उसके बाद एक डिस्ट्रॉयर भी लगाया इन्होंने रिंग साइड पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको इन्होंने ब्रूटल बना दिया। और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं, और एडी किंगस्टन बैठे होते हैं कमेंट्री के ऊपर, और एडी किंगस्टन आके कहते हैं कि ये देखो ये बेस्ट ब्रदर है जिसने अपने छोटे भाई को हरा दिया, और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड। और वो लात मार के यहाँ पे रे फेनिक्स को रिंग से बाहर गिरा देते हैं, और ऐसा लगता है कि पेंटा को ये बात उतनी पसंद नहीं आई। और उसके बाद एकदम से म्यूजिक बजता है गाइस, और आ जाते हैं बाहर पाक। तो पाक बहुत समय से जो है अपने यूके में थे, मतलब वो क्वारंटीन हुए थे या फिर वो अपनी कंट्री में चले गए थे, इस वजह से वो यूएस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप से यूएस का जो ट्रैवल है वो बैन हो चुका था। तो पाक अपनी कंट्री में फंस चुके थे, लेकिन 7 महीने वहाँ पर रहने के बाद अब फाइनली वो यहाँ पर आए हैं, और अब उन्होंने अपना जो है एक प्रेजेंस बनाई, और उन्होंने प्रोमो कट करके यहाँ पे बेसिकली एडी किंगस्टन को चैलेंज कर दिया है। और एडी किंगस्टन वर्सेस पाक एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूड हो सकती है, और नेक्स्ट वीक हमें फाइनली इतने समय बाद पाक का एक मैच भी देखने को मिलेगा ऑन AEW डायनामाइट। तो ये जो मेन इवेंट का मैच था, क्लासिक मैच था गाइस, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आप अगर जाके इसको देखेंगे, पूरा मैच देखेंगे, आपको जो है मज़ा आ जाएगा, आपका दिन बन जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। तो AEW का आज का शो काफ़ी अच्छा था, और जो इन्होंने अपनी बिल्ड कंटिन्यू करी है आगे डायनामाइट पे, वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। अब हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे NXT की। तो जॉनी गार्गानो इस शो को स्टार्ट करते हैं, और उनके पास एक रिंग में व्हील है, और इस व्हील पे अलग अलग नाम लिखे हैं, और वो कहते हैं कि जब भी मैं चैंपियन बनता हूँ मैं अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस में बहुत बार हारा हूँ, और ये एक कर्स है, और आज मैं इस कर्स को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये जो व्हील मैं घुमाऊंगा ये मेरे लिए लकी रहने वाला है, जैसे मेरे लिए हैलोवीन हैवक में व्हील लकी था। तो यहाँ पे सबके नाम लिखे हैं, और ऑब्वियसली जिस पे आया वो उनका अपोनेंट होगा। और यहाँ पे क्लियरली ऐसा देखने को मुझे लगा कि आधा येलो था आधा ब्लैक था, और जहाँ पे लियोन रफ का नाम लिखा हुआ था वो एक अलग से पर्ची चिपका रखी थी। तो जिसने भी ये व्हील बनाया दे ऑब्वियसली फक्ड अप, उन्होंने लियोन रफ का या तो नाम नहीं रखा या फिर एक लास्ट मोमेंट चेंज था। तो ये व्हील घुमाते हैं, लियोन रफ का नाम आता है, जो कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एक तरफ चांपा था, दूसरी तरफ डेमियन प्रीस्ट था, बीच में लियोन रफ और उनका नाम आया। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि लियोन रफ ने एक इतना बड़ा अपसेट करा, उन्होंने जॉनी गार्गानो को हरा के जो है नॉर्थ अमेरिकन टाइटल को जीत लिया। और यहाँ पे जो है डेमियन प्रीस्ट को हम थोड़ा सा ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि गार्गानो रिंग साइड जाके थोड़ी सी बेइज्जती करते हैं डेमियन प्रीस्ट की, और वो इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसका फायदा उठा के क्रूसिफिक्स लगाते हैं यहाँ पे लियोन रफ, और वो हरा देते हैं यहाँ पे जॉनी गार्गानो को। और फनी चीज यहाँ पे ये थी कि डेमियन प्रीस्ट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लियोन रफ के साथ, वो उनकी वेस्ट के अराउंड उनका टाइटल बांधते हैं, और टाइटल जो है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि जो टाइटल है वो इतना बड़ा और चौड़ा है कि उनकी वेस्ट उसके लिए पतली पड़ रही है। दिस वॉज द कॉमेडी थिंग। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि जॉनी गार्गानो को इतनी जल्दी टाइटल हराने में क्या सेंस बनती है, यानी कि जो स्टोरी लाइन वो दिखा रहे हैं कि उनका हमेशा से फर्स्ट टाइटल डिफेंस कर्स रहता है, इस बार भी वही चीज़ हुई, और वो बाद में बैक स्टेज विलियम डीगल के पास जाके हर लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा आइडिया नहीं था, और जिसने भी ये व्हील बनाया है उसकी गलती है। He was giving excuses, बस विलियम डीगल ने इस बात को माना नहीं है, और अब जो नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है वो बन चुके हैं लियोन रफ। इसके बाद गाइज हमें क्रूजर वेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है जेक एटलेस और सैंटोस एस्कोबार के बीच में। ये एक कमाल का मैच था, मतलब जबरदस्त मैच था ये। और मैं यही बात कहूंगा कि NXT बहुत समय से स्टोरी लाइन में बिल्कुल फ्लैट चल रही है, लेकिन रेसलिंग की क्वालिटी इनकी कभी गिरती नहीं है। आज भी अबव एवरेज सारे मैचेस थे, अच्छी रेसलिंग हमें देखने को मिली, और सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है। लेकिन गाइज एट द एंड सैंटोस एस्कोबार इस मैच को जीत गए हैं। बहुत सारी मोमेंट्स थी जहाँ पे जेक एटलेस क्लोज आए, लेकिन ऑब्वियसली लेगार्डो डेल फैंटास्मा की इंटरप्शंस थी बहुत सारी, जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रैक्शंस हुई हैं, और उसका ही फायदा उठा के यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार जीत गए। इसके बाद रॉकेल गोंजालेस आती है रिंग के अंदर, और अपने मैच के लिए वेट कर रही होती है ज़ाया ली के अगेंस्ट, लेकिन ज़ाया ली नहीं आती, बोआ आ जाते हैं बाहर, और वो कहते हैं कि ज़ाया यहाँ पे आ जाने नहीं वाली हैं। और बेसिकली इस बात से रेक्विल खुश नहीं थी, तो उन्होंने बोआ को बुरे तरीके से अटैक कर दिया और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद एक म्यूजिक बजता है, और कोई चाइनीज बंदा आता है बाहर, और बोआ को एक लेटर देता है, उनके हाथ के ऊपर एक चाइनीज लेटर लिखता है आई थिंक, और वहाँ से चले जाता है, और बोआ जो है उसको बाउ डाउन करते रहते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है ज़ाया ली बोआ, और ये पूरी चाइनीज मिस्टीरियस स्टोरी लाइन, आई डोंट नो क्या मतलब है इस चीज़ का, लेकिन ये हमें देखने को मिली। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कैंडिस लेरे अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म का मैच। ये भी एक अच्छा रेसलिंग मैच था, जैसा कि मैंने कहा
था, रेसलिंग ओवरऑल अच्छी थी आज के शो पे। और कैंडिस लिरे ने यहाँ पे रोप्स का यूज करके जो है पिन करा टोनी स्टॉर्म को, जो कि रेफरी को दिखा नहीं, और उन्होंने काइंड ऑफ चीट करके इस मैच को जीत लिया। और मैच के बाद टोनी स्टॉर्म जो कि कैंडिस लिरे को अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वही जो बंदा है जो बार बार मिस्टीरियस जिसने मास्क पहन रखा है स्केरी मैन का, वो आ जाता है बाहर और अटैक करने की कोशिश करता है यहाँ पे टोनी स्टॉर्म को। और फाइनली रिवील कर दिया गया है और कोई नहीं बल्कि इंडी हार्टवेल है। तो ये चीज बहुत लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे और ये सच निकली कि ये इंडी हार्टवेल है जो कि मदद कर रही थी तब से कैंडिस लिरे की, क्योंकि वो उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हैं ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले एनएक्सटी के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने मदद कर दी कैंडिस लिरे की। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है टिमोथी थैचर और डेक्स्टर ल्यूमिस के बीच में। और ये मैच इसलिए हो रहा था क्योंकि इन दोनों को कन्फ्रंटेशन होती है बैक स्टेज। तो बेसिकली उसके बाद ये मैच हुआ और सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैमरन ग्राइंस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से टिमोथी थैचर इस मैच को जीत गए। उन्होंने भी क्रूसिफिक्स लगा के यहाँ पे डेक्स्टर ल्यूमिस को हरा दिया। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि डेक्स्टर ल्यूमिस को हराने का क्या तरीका यहाँ पे सही था या फिर गलत था, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे मैच के बाद कैमरन ग्राइम्स ने अटैक करा डेक्स्टर ल्यूमिस को बुरे तरीके से, और वो काइंड ऑफ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सुपीरियर हैं, कि उनको अब डेक्स्टर से डर नहीं लग रहा है, और उनके सर के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं और बेसिकली उनकी पिटाई यहाँ पे उन्होंने कर दी। इसके बाद गाइस टोमासो चांपा का एक प्रोमो में सुनने को मिलता है, और आई डोंट नो चांपा आखिर चाहते गए हैं क्या, क्या इनकी फ्यूड है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आजकल एनएक्सटी के रोस्टर में हर कोई अपने आप को टफ समझने लग गया है। पुराने दिन तो एनएक्सटी के गायब हो गए हैं, लेकिन 2020 के अंदर अब एनएक्सटी के रोस्टर में एक बहुत बड़े चेंज लाने की ज़रूरत है, और वो चेंज और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और आने वाले हफ्तों में काइंड ऑफ कुछ ना कुछ टोमासो चांपा ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए हम सबको वेट करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग प्रोमो फ्रॉम चांपा, लेकिन जब तक वो कुछ करते नहीं है समझ नहीं आएगा और हम क्या ही उससे उम्मीद लगाएं। और फाइनली गाइस मेन इवेंट में एनएक्सटी टैग टीम टाइटल्स का मैच डैनी बर्च एंड ओनी लोरकन अगेंस्ट ब्रिजांगो, जो कि एक रीमैच था। यहाँ पे ऑब्वियसली पैट मैकेफी और पीट डन जो है वो रिंग साइड पे थे और वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे लगातार, लेकिन ड्रेक मैवरिक भी यहाँ पे आते हैं इंटरफेयर करते हैं और ब्रिजांगो की मदद करने की कोशिश करते हैं। और ऑलमोस्ट ब्रिजांगो ने इस मैच को जीत लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, तो टाइटल्स जो है वो यहाँ पे रिटेन हो गए। और मैच के बाद इन सबको बुरे तरीके से अटैक करा, तो जो फेस टीम थी यहाँ पे बिल्कुल उनको अटैक कर दिया गया बुरे तरीके से। और फिर से ये जो पैट मैकेफी की टीम है, ये जो चार बंदे हैं, इनका जो है काइंड ऑफ अब रूल चल रहा है एनएक्सटी के ऊपर, एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर अनडिस्प्यूटेड एरा टू कम बैक। तो मेरे को लगता है कि जब भी अनडिस्प्यूटेड एरा वापस आएगी उसका एक ही मतलब है कि वॉर गेम्स उसका रिजल्ट निकलने वाला है, और वही मैच हमें देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये था गाइस आज का एनएक्सटी का शो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ये है मेरे दोनों शोज के रिव्यू। अगर मैं वो कंपेयर करना है, आई थिंक AEW इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद अ लॉट ऑफ स्टोरी लाइंस, और वो फोकस ज़्यादा कर रहे हैं अब स्टोरीज पे, और NXT थोड़ी इधर उधर है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे NXT आगे जाके जो है वो चेंज करती है अपने शो को। लेकिन गाइस ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।